टुडेज टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोड्स, बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये भी अपना एज ए ट्रांजिस्टर के अंदर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या करता है अपना, इलेक्ट्रोड क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे आयनिक पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार के ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जो चेंज करता है, या जो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में हमें कन्वर्ट करके दे रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है ना। और वैसे अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपना बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्यों है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारे बायोपोटेंशियल है, कल हमने स्टडी की थी बायोपोटेंशियल के बारे में, है कल बताया था। तो जो अब उनको हम बायोपोटेंशियल जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसको हम इलेक्ट्रोड की मदद से क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर डेवलप करते हैं, बॉडी के ऊपर डेवलप करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं बॉडी के ऊपर, उनको एक बार होल्ड करना अभी, अब तो नहीं आ रही नॉइज़, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जो हमारे बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो जो बायोपोटेंशियल अपने इलेक्ट्रोड है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड करते क्या है, कि बॉडी के अंदर हमारे जो आयनिक पोटेंशियल है इनको वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में। अब बॉडी के अंदर जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज में लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं जनरली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल्स हैं उनको क्या करते हैं कि फर्स्ट तो रिकॉग्नाइज करते हैं या रिसीव करते हैं सिग्नल को, और जो भी बॉडी के हम जिस चीज़ का या जिस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड यूज में लेने जा रहे हैं, तो उसकी सरफेस पर जो भी सिग्नल है उनको डिटेक्ट करके पास कर देगा सिग्नल्स को, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड का वर्क होगा कि उनके सिग्नल को रिसीव करना, जो भी सिग्नल हमारे बॉडी के अंदर है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आयनिक के टर्म में या आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में, जिस टर्म में भी है उसको मेजर करके हमें रिसीव मिल जाएगा, उसका सिग्नल मिल जाएगा। रिसीव सिग्नल जो है मिलेगा, वो जो भी इनपुट होगा उसका, हम क्या करेंगे उसको री एम्प्लीफाई करेंगे, जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आयनिक कंडक्शन कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। जो अपने बात कर रहे हैं कि हमारे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, जनरली ये इलेक्ट्रोड हम जो यूज में लेते हैं ये हमारे तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें। फर्स्ट है माइक्रो इलेक्ट्रोड, सेकंड है स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड, थर्ड है निडल इलेक्ट्रोड, ओके। तो फर्स्ट जो अपना है वो है माइक्रो इलेक्ट्रोड। माइक्रो इलेक्ट्रोड क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद इन सेल, सिंगल सेल के अंदर हम उन इलेक्ट्रोड को यूज करके मेजर करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा माइक्रो इलेक्ट्रोड का, जैसे निडल टाइप होता है, निडल तो मतलब निडल इलेक्ट्रोड में आ जाएगा, एक निडल की तरह टिप होती है ना, टिप होती है, उससे हम टच करते हैं, ठीक है। उससे टच करके सिंगल सेल के अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वहां से हम इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। सेकंड है स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड। तो स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड होता है हमारा, है ना, वो ईसीजी मेजर करने के लिए, ईईजी मेजर करने के लिए और ईएमजी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड को। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हम लोग जब ईसीजी करते हैं हम क्या करते हैं कि पहले तो जेल लगाते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जेल होता है या सेलेनाइन सॉल्यूशन होता है, हम वो पहले जेल लगाते हैं, जेल लगाने के बाद इलेक्ट्रोड रखते हैं। तो जेल क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो आयंस को ऊपर डेवलप कर देते हैं, इलेक्ट्रोड की मदद से उनको हम सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, है ना। तो वो कहलाते हैं हमारे स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड। स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे जनरली काम आते हैं, ईसीजी के लिए काम आते हैं, ईईजी ईएमजी इनके पोटेंशियल को डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं सरफेस की स्किन से। थर्ड है हमारा निडल इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होता है निडल इलेक्ट्रोड, हम क्या करते हैं कि इसको पेनिट्रेट कर देते हैं
डिफरेंट जगह बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट जगह हम इसको क्या करते हैं पेनिट्रेट कर देते हैं, जैसे हमें ECG करते हैं या ब्रेन का EMG करनी है, तो जो ब्रेन की जो मसल्स एक्टिविटी को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए निडल इलेक्ट्रोड यूज लेते हैं। कई आपने देखा हो कई सारे निडल ब्रेन में लगा देते हैं हम सबसे, तो वहाँ पर निडल इलेक्ट्रोड का यूज लेते हैं। हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर ये हमारा ही क्या होता है, क्या हो गया बेटा? MRI क्या होता है सर? MRI मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, ये अपनी क्या होता है कि एक इमेजिंग टेक्निक होती है MRI, जैसे हम लोग एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे भी तो इमेजिंग टेक्निक है। ये सबसे बेसिकली मेथड था एक्सरे। एक्सरे में हम लोग एक्सरे रेडिएशन पास करते थे। MRI के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं उसके थ्रू इमेज लेते हैं 360 डिग्री में। तो जनरली जो MRI करते हैं हम रीढ़ की हड्डी को करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के क्या होती है मैं स्पाइनल कॉर्ड के शेप में होती है। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे हम एक्सरे की बात करें, एक्सरे क्या करता है हमारा वन डायमेंशनल इमेज देता है, मतलब जैसे मेरे हाथ का मतलब एक्सरे करना है तो मैंने सर MRI थ्री डायमेंशनल देता है ना इमेज, 3D इमेज देता है MRI, 3D इमेज देता है और 360 डिग्री में देता है। दूसरा ये भी है उसकी जो इमेज आती है वो सर ये 4D इमेजिंग कैसे होती है इसकी? 3G और 4G तो उसकी इमेजिंग टेक्निक है, बेसिकली जो मेन मेथड है। आप अगर मानो मैं 2D भी करूं ठीक है, लेकिन एक्सरे तो हमारा मूव ही नहीं कर रहा ना, जैसे मुझे हाथ का लेना तो फ्लैट रखना पड़ेगा मेरे को, फिर मेरे को अगर बैक साइड का लेना तो फ्लैट रखना पड़ेगा। तो ऐसी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल शेप में है, तो अगर मैं वन साइडेड का लेता हूँ सामने से लिया मेरे फ्रेंड से लिया मान लो उसकी बैक साइड से हमारा फ्रैक्चर है तो इमेज ही नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरे में होता क्या है इमेजिंग टेक्निक सब में यही होता है कि हम क्या कहते हैं रेडिएशन पास करते हैं। रेडिएशन क्या करता है जहाँ जहाँ हड्डी ब्रेक है तो वहाँ वहाँ से पास हो जाते हैं, तो इमेज में स्पॉट ही दिखाई देगा, तो स्पॉट ही नहीं मिलेगा अपन को, तुम तो बोलेंगे ठीक है लेकिन वो उस पार्ट के बैक साइड में टूटा था। उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या 360 डिग्री में मूव करा के उसकी उस पार्ट को उस पोजीशन की पिक्चर लेते हैं। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई चारों तरफ से हम देख लेते हैं कहीं इसमें कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, तो वहां पर MRI टेक्निक यूज कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये MRI में रेडियो वेव का क्या रोल है? रेडियो वेव जो MRI वेव हम लोग पढ़ेंगे आगे थर्ड यूनिट में, MRI का उसमें रेडियो वेव का रोल ये है। जैसे मान लो हम डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अब जब मेथड अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी नहीं होगी, तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी से सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से या डिफरेंट हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से ले रहे हैं। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें हम डॉपलर इफेक्ट का यूज में लेते हैं, अब डॉपलर इफेक्ट में क्या होती है वहां से हमें इमेजिंग मिलती है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू, तो ये मेथड है अलग अलग जहाँ से इमेजिंग टेक्निक हम ले रहे हैं, वो मेथड है अपने अलग अलग ठीक है। थर्ड यूनिट पढ़ेंगे अभी डिटेल में बस, को नेक्स्ट है फिर अपना नेक्स्ट है माइक्रो इलेक्ट्रोड। जो माइक्रो इलेक्ट्रोड होते हैं वो जनरली मैंने बताया कि सिंगल सेल के अंदर पोटेंशियल को ऑब्जर्व करने के काम आते हैं, तो माइक्रो इलेक्ट्रोड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल और टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ए सिंगल सेल। जनरली ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड और मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। तो मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर अगर हम बात करें तो मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, ये हमारा एक मेटल का बना हुआ होता है इलेक्ट्रोड होता है ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेटल का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं हमारा लीड वायर लगा हुआ था, ये वायर दिख रहे हो ना, ये हमारा जो वायर होता है वो टंगस्टन या स्टेनलेस स्टील का वायर बना होता है जो कि डिजायर्ड शेप एंड साइज का होता है ठीक है। इसके नीचे हम क्या करते हैं एक कोटेड सरफेस है, इस कोटेड सरफेस में हम क्या करते हैं सेलेलाइन सॉल्यूशन लगाते हैं या जेल, हम जैसे बात करें कि जेल लगाते हैं सेलेलाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, और फिर हम इसकी मदद से जो हम सॉल्यूशन लगाएंगे वो क्या करेगा वोल्टेज डेवलप कर देगा, और जो जो आयन या पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उस वायर के थ्रू हम क्या करते हैं रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोड के हमें ठीक है। नेक्स्ट है अपना माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड। माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड में जैसे अपनी केमिस्ट्री हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, पिपेट होती थी है ना, तो ट्यूब होती थी ग्लास की, ट्यूब होती थी तो ग्लास की ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन को फिल करते हैं, और उसके अंदर एक टिप होती है तो हम टिप को वहाँ टच करते हैं तो वो हमारे क्या होती है बॉडी सेल से टच हो जाती है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं ट्यूब के अंदर सेलेलाइन सॉल्यूशन या वो चीज़ें फिल कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है कि वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन को सिग्नल को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो जो माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड होता है वो एक
ग्लास कैपिलरी ट्यूब के टाइप्स का बना होता है हमारा, है ना। ट्यूब के अंदर हम दो प्रकार से करते हैं, या तो हम ट्यूब के अंदर सेलेनाइन सॉल्यूशन फिल करते हैं या हम ट्यूब के आउटर सेल में करते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड रहेगा हमारा टिप से जो सेलेनाइन सॉल्यूशन है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ माइक्रोपिपेट, जिसमें हम देखें एक हमारी मेटल की टिप बनी हुई है ना, और इसके अंदर हमारा इंसुलेशन भरा हुआ है, ये इसके सपोर्टिंग स्टाफ है, लीड वायर है। तो लीड वायर से हमें क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो हमने टिप में टच किया सेल के अंदर, तो ये सॉल्यूशन फिल है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके हमारे लीड वायर को दे देगा। लीड वायर के थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन को सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन लीड वायर के थ्रू वहाँ से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोपिपेट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमारी टिप है, मैंने बताया था ना दो प्रकार के होते हैं, एक में तो हम अंदर ही फिल कर देते हैं, एक इनसाइड द उसके सेल के अंदर होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो टिप है इसका कनेक्शन इससे कर दिया लीड वायर से मेटल इलेक्ट्रोड से, तो ये इन्फॉर्मेशन लीड वायर को सेंड कर देगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपना फिल है। सेकेंड है अपना सरफेस इलेक्ट्रोड, जो अपना सरफेस इलेक्ट्रोड है, तो सरफेस इलेक्ट्रोड का मैंने आपको यूज बताया था, जैसे ईसीजी करनी है, ईएमजी करनी है, तो हम सरफेस पर रख के यूज में लेते हैं। तो सरफेस को जब हम यूज में लेते हैं तो ये हमारा हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर रखते हैं, फिर लीड वायर लगाते हैं। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, टिप लगा रहे थे, एक हमारी टिप थी उसको टच कर रहे थे सेल के अंदर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम सेल के अंदर या स्किन के अंदर इसको कहीं टच नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं स्किन के ऊपर रख रहे हैं, सरफेस के ऊपर रख रहे हैं। तो सरफेस के ऊपर रखने के बाद हम इनको मेजरमेंट करते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दीज इलेक्ट्रोड आर यूज टू ऑब्टेन बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, आर फाउंड इन मेनी शेप एंड साइज, द एग्जाम्पल ऑफ दीज ईसीजी, ईएमजी एंड ईईजी। तो ये जनरली हमारे फर्दर थ्री क्लासिफाइड में फिर से डिवाइडेड है, फर्स्ट है मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड, सेकेंड है सक्शन कप इलेक्ट्रोड, थर्ड है फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जब हमने ये इलेक्ट्रोड बनाए, ठीक है, तो इससे इन इलेक्ट्रोड को बताने से पहले एक मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ कि जनरली जब हमारा ये इलेक्ट्रोड नहीं बने थे, ये तीनों इलेक्ट्रोड नहीं बने थे, तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करते थे। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो कि एक आदमी बैठा है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, ईसीजी मेजरिंग कर रहे हैं। तो ईसीजी मेजरमेंट करने के लिए हमने इसके दोनों हार्ट को सेलेनाइन सॉल्यूशन के टब में डुबा रखा है, एक पैर को डुबा रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था हम इथोवन ट्रायंगल बनाते हैं, तो दो चेस्ट हो जाती हैं, दो आर्म हो जाती हैं, एक पैर हो जाता है, उससे मिला कि इथोवन ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसी ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए दो टब में हैंड में डुबा रखा है और लेग एक टब में डुबा रखी है। तो इसके अंदर टब के अंदर हमारे सेलेनाइन सॉल्यूशन हमारा फिल्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये बहुत ही ये स्टार्टिंग की बात है, जब हमारी जब इलेक्ट्रोड डिजाइन नहीं हुए थे उससे पहले की बात है, तो इसमें जब हम इंसर्ट करते थे बकेट के अंदर, तो इसमें हमारे सेलेनाइन सॉल्यूशन फिल होते थे। तो इसमें हमने कोई भी सब्जेक्ट इसको इसके अंदर फीड किया, जैसे हैंड है या पैर है, तो बकेट में हमने डाले, तो इसको जब हम इसको मेजरमेंट करते हैं, जब इसकी वैल्यू को डिटरमाइज करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हमारे लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी प्रिसाइज हमें आंसर नहीं दे पाते थे। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें सॉल्यूशन डाल रखे, इसके डेंजर इफेक्ट भी बॉडी पे पड़ सकते थे, तो ये हमारा अच्छा मेथड नहीं था, है ना। तो और इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन थी, डिटेक्ट करने में कई सारा हम बोले कि प्रिसाइज आंसर नहीं आ रहे थे। तो इसको दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने ये जो तीन सरफेस इलेक्ट्रोड को डेवलप किया, मेटल पे इलेक्ट्रोड, सक्शन कप इलेक्ट्रोड और फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड की। तो जो मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर की बनी होती है, और इसको हम क्या करते हैं, स्किन के साथ कॉन्टेक्ट कराते हैं। तो जब हम कॉन्टेक्ट कराते हैं, तो हमारा एक पैड लगा हुआ था, इसमें हम क्या जेल का यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है प्लेट और इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। तो जो मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ एक मेटेलिक कंडक्टर इन ए कॉन्टेक्ट विद द स्किन। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉक पैड और जेल इज यूज टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन द कॉन्टेक्ट। द इलेक्ट्रोलाइट इज जनरली मेड ऑफ जर्मन सिल्वर। ये जो जनरली इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का बना होता है, वो हमारा जर्मन सिल्वर का बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसके जो डायग्राम दिख रहे हो ना, ये मेटल प्लेट का है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम, मेटल प्लेट डिस्क शेप में है, बॉटम टॉप में है, तो जिस प्रकार का हमें जहाँ यूज में लेना है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के इसके शेप एंड साइज के इलेक्ट्रोड को यूज में लेते हैं। जैसे हमें ईसीजी करना है, ईसीजी करने के लिए हम लोग जो वाला ये देख रहे हो ना, ये वाला जनरली बी वाला डायग्राम, ये वाला यूज में लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, इसमें गोल सा रिंग सा पेड होता है,
तो उसमें उसके नीचे पहले जेल लगाते हैं, फिर हम उसको वो पैड को रख देते हैं, तो पैड क्या करता है कि एडहेसिव कॉन्टेक्ट बना लेता है, मतलब वहां से हिलता नहीं है, और बॉडी के अंदर जो डायन डेवलप हो रहे हैं तो वो सर पे डेवलप होके ये जो पैड है वहां से इन्फॉर्मेशन लीड वायर को सेंड करके वहां से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो भी हमारे आयंस है उनको, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, जो भी आयंस डेवलप हुए हैं उसको डिटेक्ट करना, उनको डेवलप करके इन्फॉर्मेशन सेंड करना, ये हमारा वर्क होता है इलेक्ट्रोड का। तो मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, ठीक है, या तो फॉर्म पैड के होंगे या डिक शेप के होंगे या डिफरेंट शेप के होंगे। नेक्स्ट है सरफेस इलेक्ट्रोड के अंदर सक्शन कप इलेक्ट्रोड। सक्शन कप इलेक्ट्रोड क्या होता है कि इस प्रकार का होता है, जैसे हम देखते हैं ना हॉर्न बजाते थे पहले, इसमें एयर प्रेशर होता था, है ना, वो हमारा कहलाता था सक्शन कप। तो सक्शन कप के अंदर हम क्या करते हैं कि इसका जो सरफेस होता है, वहाँ पर क्या कहते हैं एक जेल टाइप का लगा देते हैं, एडहेसिव जेल का लगा देते हैं, जिससे हमारा वो वहाँ से हिले ना और वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि कुछ समय बाद इसका कॉन्टेक्ट छूट जाता था, इससे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम पर या हम बोले कि लगातार नहीं मिल पा रही थी। तो इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या तो हम मेटल ब्लेड यूज में ले रहे थे, मेटल ब्लेड वाला यूज में लेंगे या फिर हम निडल वाला यूज में लेंगे, तो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो इसके अंदर हम क्या करते थे कि वैसे तो हम जनरली इससे रीडिंग लेने के लिए क्या करते थे, जो हमारा ये बल्ब टाइप का है, है ना, इसके सरफेस पर, इसकी सरफेस पर हम क्या करते थे एडहेसिव जेल लगा के फिर बॉडी पर लगा देते थे। यहाँ पर हमें बॉडी पर लगाने के बाद जो इसमें डेवलप हो रहे हैं हमारे, हम क्या करते रबर बॉल से उनको प्रेशर अप्लाई करके लगा देते थे। अब फिर जो भी पोटेंशियल हमारे बॉडी सरफेस पर डेवलप हो रहे थे उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर लीड वायर टर्मिनल के थ्रू मिल जाती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो एडेबनेस था, मतलब जो चिपकता था ये बल, तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप निकल जाता था, क्योंकि जैसे एयर प्रेशर रिलीज हुआ तो वो अपने आप ओपन हो जाता था। तो ये मतलब ज़्यादा टाइम में यूज में नहीं आया ये अपना सक्शन कप। उसके बाद थर्ड था अपना फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड। जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड होता है, फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड हमारा जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था उसी के ऊपर बेस था, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर सकते थे, वेरी करा सकते थे। तो ये इसका डायग्राम है फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड का, कि ऐसे हम देखें कि हमने क्या करा कि इसको हम जैसे हमें मान लो कि किसी बॉडी सरफेस हम निकालना है, लेकिन जब हम सक्शन कप वाला या कोई दूसरी मेटल प्लेट लगा रहे हैं तो हमें, अगर हमने पॉइंट का चेंजेस कर दिया तो हमें क्या होगा कि उस जगह पर हमें उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर सकते थे कि जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे मूव करा सकते थे, जिसको मूव कराने से क्या होगा कि हमें जिस पॉइंट पर उसकी रीडिंग चाहिए तो वहाँ पर उसकी हम रीडिंग को डिनोट कर सकते थे या उसकी रीडिंग को हम वहाँ पर ले सकते थे विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड। तो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड जो होता था तो उसके अंदर हमारे क्या होगा इंसुलेटिंग जो इंसुलेशन है वो सील्ड के अंदर ही हमारे इसके अंदर हम फिल करते थे, और इसके अंदर जनरली हम डबल साइडेड एडहेसिव टेप यूज में कर लेते हैं। डबल साइडेड जो एडहेसिव है वो हम दोनों तरफ यूज में लेते हैं कि एक तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है एक उससे चिपका रहे और दूसरा स्किन सरफेस से टच होता रहे, इससे हमारा जो एडिबनेस है वो हमारी बनी रहे, वो निकले ना, इजी निकले ना। जो पहले जैसे हम सक्शन कप में कर रहे थे ना उसकी वन साइडेड एडिबनेस थी, ठीक है, इसमें हमने डुअल साइडेड कर दी, तो इससे हमारा एक तो जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर हमने क्या कर दिया एडहेसिव क्वालिटी टेप लगा दिया और स्किन पे लगा दिया, जिससे हमारा चिपका रहे, अगर हमें मूव करना है तो वहाँ से निकाल के फिर हमने उसको आगे मूव कर दिया। तो ये हमारा हो गया फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड, इसको हम मूव कर सकते थे। एक और है जो कि इसको हम बोलते हैं डिस्पोजल इलेक्ट्रोड। डिस्पोजल इलेक्ट्रोड जनरली वैसे तो ये उसमें अपनी कैटेगरी में नहीं आता टाइप्स में, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ECG का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारा मेटल पे इलेक्ट्रोड था तो उसी टाइप से ही है। तो ये जनरली हमारा मेटल का तो नहीं बना, लेकिन ये जो है डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वन टाइम यूज़ करने के बाद इसको हटा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम मेटल के या डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे थे तो उनकी क्लीनिंग की प्रॉब्लम आती थी, तो क्लीनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड यूज में ले लिया, ये वन टाइम यूज़ किया फेंक दिया। जैसे आपने पहले देखा होगा हमारी जो निडल आती थी, है ना, जो निडल आती थी वो क्या होती थी हमारी वन टाइम होती थी। निडल वन टाइम होती नहीं होती थी, मतलब पहले जो निडल आती थी हम लोग निडल लगाते थे, फिर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में उनको रीयूज करते थे। रीयूज कैसे करते थे, उनको बॉइल करते थे, क्लीनिंग करते थे, क्लीनिंग करने के बाद फिर आफ्टर रीयूज करते थे। आजकल जो निडल आ रही है डिस्पोजेबल आ रही है, यूज करो फेंक दो, वो इसलिए क्योंकि कई सारी डिसीजेज हमें इसके थ्रू लग जाती थी, अगर क्लीन प्रॉपरली नहीं हुआ
तो फिर कई सारी डिजीजे हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसी वजह से हम डिस्पोजल यूज में लेने लगे। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर थी, जैसे मेटल इलेक्ट्रोड या डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हैं, तो उनमें सपोज करो अगर मान लो कोई फंक्शन कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का डर है, कोई क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही उनकी, तो उसके लिए फिर हम इसके रिप्लेस में हम डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड भी यूज में ले सकते हैं। तो ये डायग्राम हमारा डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड का है, ये फ्रंट व्यू है, इसका बैक व्यू है, जो हम स्किन पे लगाएंगे ये वाला व्यू है, और जो बाहर से लीड वायर कनेक्ट रहेंगे वो हमारा ये वाला व्यू है। नेक्स्ट है अपना निडल इलेक्ट्रोड, ठीक है। निडल इलेक्ट्रोड क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बॉडी के अंदर उनको डिटेल से टच करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो निडल इलेक्ट्रोड जनरली हमारे टू प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर और बाईपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है कि सिंगल वायर इनसाइड इन निडल, निडल के अंदर केवल सिंगल वायर हमारा अटैच होता है, और बाईपोलर के अंदर दो वायर लगे होते हैं इनसाइड इन निडल, टू वायर्स आर प्लेस इनसाइड इन निडल, उसके अंदर हमारे दो वायर लगे हुए होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे निडल इलेक्ट्रोड है, तो निडल इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे अगर हम यूज़ में लें तो कई सारे प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज़ में लेते हैं, जैसे इंसुलेटेड निडल इलेक्ट्रोड, कोएक्सियल निडल इलेक्ट्रोड, बाईपोलर निडल इलेक्ट्रोड, फाइन वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोइल्ड फील्ड वायर इलेक्ट्रोड हम यूज़ में लेते हैं। ये हमारे इनके डायग्राम है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रोड हैं, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम इनको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जनरली हम बात करें या तो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और जो इनसे वायर कनेक्ट होते हैं निडल इलेक्ट्रोड से, वो हमारे कॉपर या प्लेटिनम के कनेक्टेड होते हैं, या तो कॉपर का होगा या प्लेटिनम का, जनरली हम यूज में लेते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए। तो अब हमें डिपेंड करता है कि इनको हमें कहाँ यूज़ में लेना है, उसके हिसाब से हम इनको यूज़ में इलेक्ट्रोड को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे मान लो कि पर्टिकुलर की ब्रेन में करना है या कहाँ करना है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हम इनको यूज में लेते हैं। तो लीड वायर यूज लेना है, कोएक्सियल लीड वाला लेना है, या इंसुलेशन वाला लेना है, या कॉइल्ड फाइल फिल्म लेना है, कौन सा वाला हमें लेना है, डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोड हमारे बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड किस प्रकार जो हमारे बॉडी सरफेस से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और कौन कौन से इलेक्ट्रोड हम यूज़ में लेते हैं, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी जो मैंने पहले बताया था, जो निडल इलेक्ट्रोड है, तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक मसल्स में हमें इनकी रीडिंग लेनी है, या जैसे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए हमें यूज़ में लेना है, EMG में यूज़ में लेना है, इलेक्ट्रोमायोकार्डियोग्राम में यूज़ में लेना है, तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए जनरली हम इनको निडल इलेक्ट्रोड भी यूज़ में लेते हैं। तो पर्टिकुलर उस पार्ट में हम क्या करते हैं, इनको लगा देते हैं और वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन की गैदर करते हैं, और उसके बाद फिर इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है।